वेलकम गाइस। तो आ गए हैं हम एक और अनदर व्लॉग लेके। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो साची आची व्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज है सैटरडे, तो हम दोनों नहा लिए और हम दोनों की आज छुट्टी है। तो गाइस अभी हम क्या कर रहे हैं? टीवी देख रहे हैं। राम राम बोलो। राम राम गाइस। तो अभी हम टीवी देख रहे हैं और हम थोड़ी देर हम तो सासी ब्लॉग में स्वागत है। तभी हम थोड़ी देर से नहाए थे और अब हम देख रहे हैं टीवी। तो हम थोड़ी देर खेल भी लिए थे बीच में। और मम्मी ने आज खाने में बनाया मटर पनीर। मेरे तो पनीर बहुत पसंद है। और राइस भी बनाया था पर इन्होंने नहीं खाए। क्यों नहीं खाए? तुम्हें तो सही लगते। इधर देखो गाइस, को बताओ कि आपका पनीर फेवरेट क्यों है। राम राम गाइस। तो ब्लॉग तो साथ ही स्टार्ट कर दिया था। तो गाइस कल खूब जोर की आंधी आई हुई है, तो मैं लग रही हूँ सफाई की। और बच्चों को खाना पीना खिला के नुहा के बैठा दिया है। तो ये देखो बर्तन तो मैं यहाँ साफ कर रही हूँ, क्योंकि सारे बर्तन कूड़ा कचरे के भर गए। तो मैं दिखाती हूँ, देखो आपको उधर से है ना बहुत तेज आंधी आई। तो देखो मेरा किचन का क्या हाल हो गया है, ये देखो। तो मैं सारे बर्तन बर्तन सब कुछ निकाल रखे हैं देखो। और दो दिन से मैं बीमारी, तो ऐसा किचन का मैं तो ऐसा हाल कर रखा है। मिक्सी में भी इसके पापा ने जूस वूस बिखेर के ऐसा हाल मचा रखा है। और ये देखो सारा बिखरिया पड़ा है। ये लग रही हूँ मैं भी, एक तो मैं दो दिन से तबीयत खराब थी और एक आंधी आ गई है। तो गाइस ये देखो अभी लग रही हूँ, और बच्चों को नहला धुला के बैठा दिया है। तो गाइस मैं सुबह से लग रही हूँ और मैं अभी रोटी राटी एक बार खा के और गोली लेके तो मैं अभी लग रही हूँ कंटिन्यू। आज का मैंने व्लॉग भी डाल दिया था थोड़ा सा छोटा सा। तो गाइस अभी कंटिन्यू लग रही हूँ और थोड़ा बहुत बीच में खाना पीना खा के दवाई लेके और थोड़ा सा रेस्ट करके, तो काम तो देखो करना ही पड़ेगा। तो गाइस अभी मैं लग रहती हूँ साफ सफाई के, इतने ज़्यादा कपड़े हैं तो मैं कि आपको मैं बता ही नहीं सकती हूँ। तो मैं दोपहर तक का, तो 12 बज गए अभी मैंने व्लॉग डाला है, तो 1-2 बजे तक तो मेरी साफ सफाई होगी। फिर मैं मशीन लगाऊंगी। इसके पापा तो मना कर गए थे कि आज मशीन मत लगाना, कल संडे है तो मैं धुआ दूंगा। लेकिन कल संडे का दिन है ना, फिर सारा कपड़ों में चला जाता है। तो मैं आज सारा काम करके लास्ट रात तक सोऊंगी। तो आज तबीयत बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक तो नहीं है, देखो स्वेलिंग वगैरह आ रहा है। साची इस मैं बोतल भर के रखी हूँ बेटा है चप्पल पैर के, और इसको वो दे दे ग्लूकोज का पानी दे दे। और गर्मी है बहुत ज़्यादा, तो गाइस 2-3 दिन ना गोली ले ली ना तो ऐसी हो रही है भड़क सी शरीर में। और तो बीच में बैठ जाती हूँ और बीच में काम कर लेती हूँ। तो गाइस आज मैंने बनाया चावल और मटर पनीर, रोटी, रायता और लस्सी वगैरह, दही वगैरह, राबड़ी वगैरह तो मैं बनाती रखती हूँ। क्योंकि मैं राबड़ी बना लेती हूँ ना, तो मेरे को भी थोड़ी सब्जी की जरूरत नहीं होती है, बहुत अच्छी लगती है चटनी रोटी वगैरह। लेकिन बच्चे आज घर पे थे, तो दो दिन बच्चों को मैं ऐसे ही हल्का फुल्का दिया। तो आज मैं बच्चों के लिए प्रॉपर खाना बनाया, पनीर और चावल साची के फेवरेट, और इन्हों के लिए मैं बनाया पनीर रोटी। इसके पापा टिफिन लेके चले गए और शायद आएंगे जल्दी, तो बोल के तो गए थे और कि मैं शाम को आने के बाद साफ। तो गाइस आपको पता है कि पूरे दिन ऐसी गंदगी में तो नहीं पड़ा रहता। और छुट्टी के लिए पूछा तो छुट्टी मिली वही है छुट्टी के लिए। हाँ छुट्टी के लिए पूछा तो छुट्टी के लिए मना कर दिया, तो बोले कि मैं 4 बजे तक आके फिर साफ सफाई। तो गाइस तभी तक थोड़ी रह जाता है, देखो मैं बाहर से तो सारा उधर से देखो सारा साफ कर, इतना गंदा, इतनी तेज आंधी आई है। और मैं तो ये सोच रही थी कि शहर में ही हार हो रहे, तो गांव वाले तो मिट्टी में डूब ही गए होंगे। तो अभी कर लेते हैं और फिर दिखाती हूँ। और ये बच्चों को जो कि नहा धोवा के फैन के नीचे बिठा रखे, क्योंकि गर्मी में ये बाहर दौड़ते घूमेंगे तो बीमार हो जाएंगे, तबीयत खराब हो जाएगी। तो गाइस मैं अभी वैसे तो छाया में बैठी हूँ, फैन चला के नीचे तार रखे, क्योंकि स्लेब के ऊपर इतनी देर तक खड़ा नहीं हो जाता मेरे से, तबीयत खराब है ना तो ऐसी ऐसे, एक तो गर्मी हो जाए गोली गाली आएंगी, और एक तबीयत खराब होने तो ऐसी हो जाए सिर बिल्कुल सुनना हो जाए। तो मैं बैठ के बर्तन वर्तन साफ कर रही हूँ दो दिन से ना। तो ये देखो हाथ लगाया मशीन के, देखो कटे कटे कपड़े रखे हैं, और ये देखो कितने सारे रखे हैं। दो दिन से मैं मशीन पर भी नहीं बैठी हूँ। तो गाइज मैं फटाफट कर लेती हूँ, नहीं तो लेट हो जाए। मैं बीच बीच में आपको अपडेट देती रहूँगी, थोड़ा थोड़ा व्लॉग बनाती रहूँगी। और तो मैं कर लेती हूँ फटाफट,
तो सारा फैला के छोड़ रखे है। तो यहाँ बैठ के है ना, पाटड़ी के ऊपर बैठ के यहाँ साफ कर रही हूँ। सारे बर्तन मिट्टी के भरे हैं, देखो इतनी मिट्टी है, देखो बर्तनों, ये देखो कितना गंदे हो रहे बर्तन। ये साफ करती है, देखो कितने चिलक रहे हैं। जाओ उधर बैठ जाओ, इतना फूल क्यों भर भर के दे रही साची, कम नहीं भर सकती? और नंगे पैर मत घूमो, बहुत ज्यादा गंदा हो रहा है। तो ये देख, तो मैं दिखाऊंगी बाद में ये करके। और किच ऊपर देखो, जाले वाले जैसे सारे झटका दिए, ये देखो ऊपर से सारे, ये देखो बस खाली ये धोया दाई का। किचन में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, बाद में तो झाड़ू पोछा है, क्योंकि मैं ये देखो ये सारे है ना, ये गेट वेट सारे साफ कर दिए, बाहर वाले गेट धो दिए, बाहर से धो दा दिया है, और सारा अलमारी अलमोरी सब कुछ साफ कर दिए। अभी इसमें मैं तो खाली गद्दे झटका के और चादर चेंज करके झाड़ू पोछा करूँगी, और इसमें बर्तन है ना ये सारे धो दा के, और डब्बे वब्बे धो दा के, और सारे ऊपर से जाके ये सारे साफ करके इसको धो ही लाऊंगी। ये धो के लाऊंगी ना तो पानी है ना इसमें नाले में चला जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो गाइस कर लेती हूँ जल्दी जल्दी, और बच्चे यहाँ बैठे हैं, तो आज गर्मी तो नहीं है, आंधी हुई कहीं भी आया हुआ है। तो ऊपर बैठे और हमसे ऊपर बैठो, तो मैं फिर बाद में दिखाती हूँ सारा साफ सूफ करके मैं आपको। सो रही हो? इनू सो गई, धूप देखो कितनी। तो गाइस बर्तन और डब्बे देखो सारे धो लिए हैं, ये देखो कैसे बिखेर रखे हैं, ये देखो बिल्कुल चमका दिए हैं, ये देखो। और अभी करिए किचन खाली, ये देखो मिक्सी का क्या हाल कर रखा है, ये देखो भिगो के छोड़ रखे, साफ करूंगी अच्छे से। ओ ये देखो सारे डब्बे वब्बे सारे साफ कर दिए, ये देखो गया। और ये देखो किचन बिल्कुल खाली कर दिया है, ये देखो। तो अभी ये किचन धो के ला रही हूँ, ये देखो है तो वैसे कबाड़ सी, पर क्या करें अभी साफ सफाई तो करनी पड़ेगी। देखो तो मैं ये धो देती हूँ पहले, उसके बाद फिर मैं ये सूखने बाद पोछा लगाऊंगी, और बेडशीट तार के फिर यहाँ झाड़ू पोछा करूंगी। उसके बाद एक बार तो पोछा लगाऊंगी, एक बार तो करूंगी झाड़ू पोछा, फिर मशीन लगाने के बाद एक बार दोबारा भी होएगा। और बच्चे कह रही हमें नींद। तो गाइस किचन धो दिया है, और मैं सोचे सफाई सफाई में कहीं नुकसान कर दूं, तो भैंस का घी है उसमें, उसमें गाय का घी और उसमें तेल है, तो ये मैंने ऊपर ही रख दिया। मैं सोची कभी ज़्यादा ही सफाई कर दूं, क्योंकि घी बिल्कुल पतला हो रहा है और बिखर जाएगा तो उधर उधर मुश्किल हो जाएगी। तो ये मैं देखो सारा धो दिया है, और ये देखो बिल्कुल फ्रिज साफ कर दिया है, ये देखो साफ कर दिया है। और फ्रिज साफ करने के लिए देखो ये रखती हूँ मैं, देखो ये कपड़े होते, ये होते हैं कपड़े जैसे, और इन बिल्कुल सोख लेते हैं ये पानी को, ये देखो। और इसको धोने के बाद है ना वैसा का वैसा हो जाएगा, ये देखो। तो मैं ये एक पैकेट मंगाया था मैसो से, ये देखो, और बड़ा है ये, और मतलब जय मतलब मंदिर मंदिर में जाओ तो उसके ऊपर के भी लगा के ले जा सकते हो, ये देखो। और ये धूप जाएगा, धूपने के बाद सूख जाएगा ना, तो दोबारा मैं स्लेब पर यूज़ कर लेती हूँ, एक बार फ्रिज पर यूज़ कर लेती हूँ, ये देखो अच्छे होते हैं। और बिल्कुल है ना फ्रिज का पानी सोख लेते हैं, बिल्कुल सूखा दिया फ्रिज को अंदर से। तो ये ऐसे रखती हूँ मैं, और अभी मैं इसे, ये तो चलो आज तो गंदा हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो इससे ये साफ़ कर दूँगी मिक्सी। और बच्चे देखो दोनों सो गए, ये देखो दोनों बच्चे सो गए हैं, अभी मैं किचन को सेट कर देती हूँ। तो गाइस सारा सामान जचा दिया, ये देखो किचन बिल्कुल क्लीन कर दिया, ये देखो जैसी भी है लेकिन साफ कर दिया, ये देखो बिल्कुल साफ कर दिया, ये देखो। और सारा यहाँ से धो दिया है, अभी चादर चेंज करूँगी, और ये देखो कपड़े निकाल लिए, मशीन लगाऊंगी, ये देखो खाली चादर चादर रह रही है। और एक बार कर दिया है झाड़ू पोछा, झाड़ू अच्छे से लगा के और पोछा हल्का लगा दिया है, और धो दिया है।
ये रूम नहीं धोया क्योंकि वो एसी लगवाया था उस दिन, दोनों धोया था, बेड के नीचे बिल्कुल साफ़ है, तो यहाँ तक है ना, ये रूम धो दिया है और किचन धो दिया, फ्रिज साफ़ कर दिया, सारा कुछ कर दिया है, बच्चे सो रहे हैं और मैं खाना खा लिया और टाइम देखो 3 बज गए हैं। तो गाइज अभी मैं लगाऊँ, सबसे पहले तो मैं उतारूँगी चादर और गद्दे साफ़ करूँगी क्योंकि मेरे को झाड़ू पोछा एक बार और करना है बाद में, एक बार तो मैं कर दिया मैं कि बच्चे सुबह से ऊपर बैठा रखे हैं बेचारे। तो अभी मैं तो गाइज ये 1 घंटा हो गया, पूरा कपड़े देखो सारा धो दिया है, ये देखो यहाँ से भी धो दिया है, बच्चे उठ लिए हैं बैठे। हाँ हाँ बताओ, हम इतना तप हो रहे हैं पानी से बैलून तो होली पे, क्या कर रही है तू? अब भारा की सो गई, उठ के रखिए ये देखो, तो ये देख के आएंगे, एक कट्टे में हो जाएगा दोनों हैं, तो ये कपड़े हैं, तो इन ये जो पुराने कपड़े हैं ना ये भर के छोड़ रखे हैं दिवाली से, तो इनकी मैं चद्दर वद्दर या कुछ और चीज ले आती हूँ, देखते हैं क्या कुछ मिलेगा, कोई आपका एक आधा और है तो और काट रही हूँ गाइस, ना धो के और सारा काम करके, तो अभी ना आई हूँ गाइस, अभी बज रहे हैं 6, तो 6 बजे ना आई हूँ और ना के देखो चाय से डाल ली है और बच्चे बाहर बैठे हैं और बच्चे सेब खा रहे हैं, वो देखो ये गुठड़ी पूरी कर दी कपड़ों में। हाँ हाँ क्या क्या हैप्पी मदर्स डे सबको, आज है मदर्स डे तो सबको हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे गाइस, हैप्पी मदर्स डे गाइस सबको, तो आप सबको माँ की बहुत बहुत बधाई हो गाइस, तो हमारे तो माँ नहीं है तो फील कर सकते हो आप, माँ नहीं होती तो कैसा होता है, और तो आप सबको माँ के लिए बहुत बहुत बधाई हो। तो गाइस चाय पी लेते हैं फिर दिखाते हैं आगे का प्रोसेस, तो व्लॉग में सैडिंग सैडिंग नहीं, हैप्पी हैप्पी, तो चलो जी खा लिया तो नेपल। तो गाइस ये राम राम कर रहे हैं आप सबको, और मैंने ये वीडियो म्यूट कर दिया क्योंकि अभी मैं एडिटिंग कर रही नहीं थी ना, तो इन्हों गाना सुन रही थी हरियाणवी गाना, तो वो उसमें साफ साफ आवाज़ आ रही थी, तो मैंने सोचा कहीं कॉपी राइटिंग में आ जाए, तो मैं ये म्यूट करके अभी वॉइस में वॉइस डाल रही हूँ। तो हम सब चाय पी रहे हैं और बच्चे दूध पी रहे हैं, तो अभी चाय पानी पी के और साची तो ये खेल लेगी, इन्हों को मैं साथ ले जाऊँगी, तो मेरे कपड़े की गठड़ी है ये बहुत दिन से रखी है, तो आज साची पापा आ गए थे 3 बजे ही, तो अभी सारा काम वगैरह हो गया है और सब्ज़ी रखी है, तो मैं सोची हूँ ये कपड़े दे आती हूँ अभी, नहीं तो कल फिर ज़्यादा काम हो जाएगा क्योंकि कल मेरे को आटा वगैरह भी और बाहर का घर का सामान वगैरह भी लेना है, तो ये कह रहे हैं कि तो गाइस दिखाती हूँ आगे का व्लॉग, आपको देखते रहना, तो साची कह रही है मैं नहीं जाऊँगी, इन्नू कह रही है मैं जाऊँगी और कुछ लेके आऊँगी, तो इन्नू दूध पी रही है और साची थोड़ा सा लिया था वो अपना रख भी आती है बिना ही पिए बीच में ही। तो गाइस चाय पी लेते हैं, चाय ठंडी हो जाएगी, तो लोगों को लास्ट तक देखना और को सारा सपोर्ट करना, तो इनकी बातें चल रही थी अच्छी अच्छी चटपटी, लेकिन जो म्यूट कर दिया मैंने हंस रहे थे ये, और ये देखो बिल्कुल पतले हो गए, इतना ज़्यादा काम करते हैं ये, इनका 8-10 किलो वजन कम हो गया है। तो गाइस गठड़ी धर ली है कपड़े की और ये बैठ गए हैं, तो मैं हंस रही हूँ इनको मैं कि मेरे कपड़े लेके कहाँ जा रहे हो, मेरे पहनने वाले कपड़े तो छोड़ दो कम से कम, तो ये मेरे को कह रही हैं कि मैंने नया घर बसा रखे हैं उसके, तो मैं कह रही हूँ उसके भी मेरे जैसे कपड़े आएंगे, तो ये फंस गए थे हंसने लगे थे, मैं कि कम से कम सोच के तो बोलो कि वो दूसरी भी मेरे जैसे है, तो फिर ये कभी कह रहे थे कि नहीं पतली है कभी कह रहे थे मोटी है, तो ऐसे मजाक कर रहा था। तो गाइस अभी चलते हैं और देखते क्या ले आएंगे, तो मैं दिखाऊंगी आपको अगर अवेलेबल होगा तो इन्नू को मैं साथ ले जाती हूँ क्योंकि कबाड़े कर लेती है तो पीछे से और साची साइकिल चला लेगी इतने, तो इस गठड़ी के लिए हमारी हंसी मजाक चली थी क्योंकि हेलमेट भूल गए थे, तो साची हेलमेट लेने चली गई थी, तो ये गठड़ी के लिए मजाक चल रहा था कि सिर पर रख ले या फिर कभी करे टायर के पीछे बैठ जाना कभी कुछ, तो ऐसे हंसी मजाक कर रहा था। तो गाइस बता देती हूँ कि ऐसे तोलते हैं और कैसा भी कपड़ा हो गंदा सड़िया बस खाली वजन वजन कराते हैं ये, और मेरा कपड़ा बना था 20 किलो, तो मैं देखो चादर ले रही हूँ, तो चादर दूसरे से ले रही हूँ, तो चादर वगैरह ले ली है, और रास्ते में है ना अच्छी सी बेकरी मिल गई थी, तो कुछ सामान ले रहे हैं ये बच्चों का ही जैसे छोटा मोटा कुछ सामान, और इन्हों के लिए आइसक्रीम ले रहे हैं और देखते हैं और कुछ क्या ले रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर अच्छा सामान मिलता है बच्चों का तो ले लेते हैं कुछ।
तो ये आइसक्रीम ले रही हूँ मैं इन्नू के लिए, तो इन्नू कभी ये करिए कभी ये करिए। इसके पापा कह रहे हैं डब्बा ही ले लो बेटा, तो डब्बा ले लेते हैं ना तो इन्नू एक दिन में ही ख़त्म कर देती है, पर इसके पापा है ना डब्बा ही दिला रहे हैं, कह रहे हैं डब्बा ही ले लो ये देखो। तो इन्नू फिर लगी ही रहती है, छोड़ती नहीं जब तक ये ख़त्म नहीं होता है। तो आज मैं सुबह से काम लग रही हूँ, तो अभी इस बज गया 7, तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो मैं कह रही हूँ मैं कचौरी ले लेती हूँ। तो मैंने 4 या 3 ही कचौरी ली, क्योंकि साची कचौरी खाती नहीं है। तो इसके पापा कह रहे हैं ले लेना, और इन्हू कह रही है मैं समोसे लूँगी, लेकिन इन्हू समोसे खाते थे नहीं वैसे ही, तो मैंने कचौरी करवा ली है 3 और ले लेते हैं जी और कुछ सामान वगैरह और बिल बनवा लेते हैं। तो चलते हैं घर की तरफ और दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखो। और देख रही थी मैं कुछ कल के लिए, मैं सोची मदर्स डे के लिए केक ले लेती हूँ, लेकिन केक थे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली थे केक, तो इसलिए हमने नहीं लिया केक, कुछ भी केक वेक। तो कल देखते हैं। तो गाइस कपड़े ये चद्दर लेके आई हूँ, देखो बजाज की है, ये देखो बजाज बजाज 2 पिल्लो कवर इसके साथ है, और ये देखो कॉटन की है बिल्कुल बढ़िया है। और रुके नू, और ये लेके आए हैं, रुके नू आइसक्रीम लेके आई है इनू, और मैं लेके आई हूँ ना समोसे ना लेके आई, जलेबी भी ना लेके आई, कचौरी लेके आई हूँ, कचौरी दाल कचौरी, ये देखो Okay. 3 दाल कचौरी लेके आई, और इन्नू आइसक्रीम लेके आई है। कैसा इन्नू दिखाओ तो मेरे को भी टेस्ट करवा के, बादाम का है। अब तो सच देख ले, मैं ऐसा आया हूँ कि कुछ नहीं लेके आया है ना, कोई अपनी कचौरी लिया आया, चादर भी आया, अच्छा चादर मैं लिया है, मैं वो ढूंढ ही ना है ना क्या आप भी तो या तो वो होगी चादर आप क्यों सुन ली तो पूजा कर दो तो सुन ली तो साची तूने खाना खा लिया है? एक ही रोटी बची थी खा ली, तो रोटी की बनाई है वो सुबह ही बची होगी एक, हाँ तो और खा ली है, आइसक्रीम खा ली हो, चद्दर पर मैं बिखर दिया अभी बिछाई है, शाम को 6 बजे ये तेरे पापा तो करी गया खराब है, तो मैं तो बाहर बैठ के खाऊंगी कचौरी। कैसी लग रही है पुनिया? अच्छा मिर्ची नहीं है ना, मशरूम क्या खा रही हो? वो नहीं आजकल इसी चीज खाने लग गए हो, खा ले पानी पिला दे, पानी है क्या? खा ले नू, करी कचौरी अच्छी नहीं लगती है, कान में दर्द हो रही है, पानी घुस गया आज, कौन सा काम था अंदर कुछ दिया था कुछ दिया था कान में तो कैसे हो गया? आज पानी घुसा था ना, पानी घुसा था आज, पानी घुसा मैं तो भी, तो वही कपड़े उतार लेते हैं, ये देखो ये वहाँ तक सूखे हुए हैं लास्ट तक, और प्रेस वाले प्रेस की साइड रखेंगे, सामटने वाले सामटने की साइड रखेंगे, तो ये भी काम है मेरा। काम तो आपके है सारे, काम तो आपके है सारे। आज एक तो बोरो भर के दिया ही, एक चादर आ गई, 20 किलो कपड़ो बनियो, 200 रुपये दिए ऊपर बजाज की चादर आई, चादर का प्राइस होते हैं 500 रुपये, 300 रुपये कपड़ो बेचा आज, फायदो कर आई ना, 200 रुपये को बाढ़ बेचो, जमा नया नया 2 नोट दे गए 100-100 500 रुपये फायदो कर लिए, और 500 काम कर दियो है, 2000 रुपया पर, और खर्चो की है मेरे ओपन में भी कोई ना बराबर खर्चो ना बराबर, एक रोटी से मेरे को कोई पानी के साथ खा ले बता दो क्या व्रत करा अगले दिन मंगलवार का व्रत बहुत कर रहा हूं, मंगलवार बढ़िया बिल्कुल। तो पूजा कर ली, तो कपड़े उतार लेते हैं गाइस, खाना बनाते हैं फिर, मैं तो खाऊंगी नहीं, एक कचौरी खा ली और एक पानी पीवा, मैं तो खाऊंगी नहीं कुछ, लूंगी तो थोड़ी सी रबड़ी मिला के एक कप दूध लूंगी। आप क्या खाओ? सब्जी रखी है इनके पापा बेटे की, इन्होंने भी कचौरी खा ली, इन्होंने नहीं खाई, थोड़ी सी खाई है, रोटी खाओगे ना?
मन तो कमी कर देखते हैं बाकी। एक मक्का दूध ले लियो तो रोटी बना भी दूंगी, दो चार तो मटर पनीर रखी है वो सुबह खाए कौन जाओ लेते। मार तो पूरा बैठना इसी मस्त जगह है, इसी बढ़िया हवा आवे, निहाल हो रहा बैठ के, पूरा फोल्डिंग डाल रखी है, भीतर बढ़ाने तो भबक लग गए। और जम्मा भी हवाना चल ना तो भी आ जाए बाल थोड़ी बहुत तो हाँ। और सबसे मेन बात है कि देखो ये दरिया पतली सी गैलरी छोड़ रखी है, पार्क की साइड रिन्ना जंगलों छोड़ रखे है तो आती रहे थोड़ी थोड़ी राठ। तो गाइस दो चार रोटी सेक लेती हूँ और कपड़े तो उतार लेती हूँ, तो व्लॉग बड़ा हो जाएगा तो मैं व्लॉग को यहीं खत्म करती हूँ, तो मिलती हूँ कल एक और व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय कर दे बच्चों, बाय बाय बाय। तो गाइस मिलते हैं कल एक और व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।